तो जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी तब मैं अपने एक कलीग के साथ ट्रैवल किया करती थी एंड वो उस कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। तो एक दिन जब हम ऑटो से जा रहे थे तो वो मुझे बता रही थी कि कैसे ऑफिस जाने के लिए सिर्फ यही एक रूट है और वो पिछले 3 साल से उसी रूट से ट्रैवल कर रही है एंड अब उसे आदत हो चुकी है। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हो और मे बी तुम्हें कंपनी स्विच कर लेनी चाहिए ताकि कि तुम्हें अच्छी सैलरी हाइक मिले। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मैं एक इंजीनियर हूँ और आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे जितनी सैलरी मिल रही है मेरा घर चलाने के लिए उतना सफिशिएंट है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस अमाउंट से एंड अगर मुझे लगा कि मुझे आगे चल के और पैसे चाहिए तो जाके मैं कंपनी स्विच करूंगी। उस मोमेंट में ना मैं उसे बहुत ज्यादा जज कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दैट शी वॉज सेटलिंग डाउन फॉर लेस जबकि उसे और बेटर ऑप्शन मिल सकता है। एंड ये सवाल ना हमेशा से मेरे दिमाग में था कि क्या हमें हमेशा और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए या जितने पैसे हमें मिले हैं उसके लिए संतुष्ट रहना चाहिए। एंड कैन मनी रियली बाय यू हैप्पीनेस या इट्स जस्ट मिथ? सो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें साइंटिफिकली इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। उसमें बताया गया था कि ह्यूमन ब्रेन के लिम्बिक पोर्शन में 4 मेन केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेक अस फील हैप्पी एंड दे आर डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है विच इज रिलीज्ड व्हेन वी गेट समथिंग वी रियली वांटेड और व्हेन वी गेट एक्साइटेड अबाउट समथिंग, जैसे कि कोई सरप्राइज या कोई गिफ्ट या कोई रेज या सोशल मीडिया के थ्रू डोपामीन हिट मिलना। ऑक्सीटोसिन फ्लोज व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट और इंटिमेसी एंड सेरोटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर स्लीप, एपेटाइट एंड मूड। एंड फाइनली एंडोर्फिन्स आर प्लेजर केमिकल्स दैट आर ट्रिगर्ड व्हेन यू एक्सरसाइज, हैव योर फेवरेट फूड और लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। तो अगर हमारा इकलौता गोल और ज्यादा पैसे कमाना है तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि और कि कोई लिमिट ही नहीं होती। अब देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा जरूरी है एंड हम सभी को मेहनत करते रहना चाहिए ताकि कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को थोड़ा बेटर कर सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें। बट हर इंसान के लिए ना पैसे और हैप्पीनेस को लेके एंड गोल बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे खुशी सिर्फ तब मिलेगी जब मैं एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, यू नो, पैसा, बंगला, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीऊंगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, और कुछ हैं जो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान में ही खुश है। बट एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी उसमें बताया था कि जो इंसान बहुत ही मटेरियल थिंग्स या लग्जरी थिंग्स के लिए डिजायर रखते हैं जैसे कि आईफोन, बीएमडब्ल्यू, गुची के शूज, रोलेक्स वॉच वगैरह वगैरह, वो लोग ना कभी खुश नहीं रह पाते इतना क्योंकि उनको एक डोपामिन हिट मिलता है कि चलो अब ये प्रोडक्ट तो मैंने खरीद लिया, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं कौन सा खरीदूं। तो पहली प्रोडक्ट से ही उन्हें इतनी फुलफिलमेंट मिली नहीं, उसी इमोशन को कवर करने के लिए वो लोग और नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करता है, जो इंसान यू नो ट्रैवल वगैरह करता है, कोई नई चीज़ें ट्राई करता है, मेमोरीज क्रिएट करता है, कोई कयाकिंग कर रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं कुछ जो मेमोरीज क्रिएट कर रहा है, वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच आर द प्लेजर केमिकल्स। सो टू गिव यू एन आंसर दैट कैन मनी बाय यू हैप्पीनेस, आई वुड से दैट येस इट कैन बाय यू एक्सपीरियंसेस दैट कैन लीड टू हैप्पीनेस। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हो या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। If you are smart enough to spend your money on these experiences instead of those luxury or materialistic items, then you can say that money buys you happiness. But अभी भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या हमें और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए या जितने पैसे मिले हैं उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अब देखो हैप्पीनेस जो है ना वो स्टेट ऑफ माइंड होता है कि कुछ हैं जो कम पैसों में भी खुश हैं, कुछ हैं जिनको ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी वो बड़े दुखी से हैं। तो आई फील कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिटवीन स्ट्राइविंग फॉर मोर एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, क्योंकि अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, जहां हो वहीं अटके रहोगे एंड आई थिंक दैट इज रॉन्ग। बट दूसरी तरफ अगर तुम्हें जितना मिल रहा है उसके लिए तुम ग्रेटफुल ही नहीं रहोगे तो फिर तुम वांटिंग मोर वाली लूप में फंस जाओगे। एंड बाय मेंटेनिंग बैलेंस आई मीन अटेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जिससे आप अपनी जिंदगी खुद अपने मन मुताबिक जी सको। तो आई टेल यू माय स्टोरी, जब मैं जॉब करती थी ना तो मैं इस इंटेंशन से काम करती थी कि मुझे और ज्यादा पैसे कमाने, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी जितने पैसे मुझे वहां जॉब पे मिल रहे थे। अब जब मैं क्रिएटर हूँ तो अब मैं इस इंटेंशन से काम नहीं करती कि मुझे और ज्यादा पैसे कमाने, अब मैं इस इंटेंशन से काम करती हूँ कि मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंसेस कमाने, क्योंकि अब मैंने अपने टाइम को ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ माय मनी, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि ये जो मटेरियल चीजें हैं ना
वो तो चलो फेड आउट हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, बट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मुझे बिल्ड करेंगे एज अ ह्यूमन। तो मैंने ना एक दिन बैठ के पूरा नोट डाउन किया कि मुझे कितने पैसे पर मंथ चाहिए सो दैट मैं खुश रह सकूं अपने पैसों के साथ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे अटेन हो जाए। तो मैंने उसमें सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अपने खाने पीने का खर्चा, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स वगैरह सब चीजें इंक्लूड कर दी, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि 60,000 to 70,000 पर मंथ इज द अमाउंट आई लुक फॉर एट दिस एज। इससे ज़्यादा मिल गया तो और भी अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। और इस 60,000 को अगर मुझे अपने पैसों के साथ खुश रहना है तो मुझे इन चार कैटेगरीज में उसे डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज सेविंग्स, एक्सपीरियंसेस, टाइम एंड अदर पीपल। नंबर वन सेविंग्स, विच इज वेरी नेसेसरी। वॉरेन बफेट का ये कोट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, विच इज इफ यू डोंट फाइंड वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। एंड मुझे जब दिखता है ना कि मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने पर अच्छे से ग्रो हो रहा है तो आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट। सेकेंड इज एक्सपीरियंसेस, एंड उसके लिए मैंने नेटवर्किंग करना अभी शुरू किया, एंड आई रियलाइज कि यार नेटवर्किंग करने के लिए पैसे लगते हैं, तुम फ्री में रेयरली नेटवर्क कर सकते हो। मतलब नेटवर्क करने के लिए क्या, तुम इवेंट्स वगैरह में जाओगे वहाँ पे एंट्री फीस तुम्हें पे करनी पड़ेगी, या तुम किसी दूसरे क्रिएटर के साथ जाके मिल रहे हो कहीं किसी कैफे वगैरह में तो तुम्हें कैफे का बिल पे करना पड़ेगा, कोई बड़ा इवेंट वगैरह हो रहा है, क्रिएटर इवेंट है तो उसके लिए नए कपड़े खरीदो, क्योंकि छोटे मोटे हैं थोड़े खर्चे, बट जो एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिलते हैं ना लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद, उनकी कहानियाँ जानने के बाद, उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स जानने के बाद, उनके फेलियर्स जानने के बाद, वो अलग ही लेवल के हैं। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली गोवा जाकर आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, एंड हम लोग हॉस्टल में रुके थे, हम लोग ने फर्स्ट टाइम कयाकिंग ट्राई की, तो वो जो एक्सपीरियंसेस है ना वो देख के लगता है दैट येस मनी कैन बाय मी हैप्पीनेस। थर्ड इज टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था दैट आई वैल्यू टाइम मोर देन मनी नाउ, तो मैं अपने काम को ना थोड़ा आउटसोर्स करने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों को देती हूँ जो काम में माहिर है, एंड मैं उन दूसरे कामों पे फोकस करती हूँ जिनसे मैं अपने लिए और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकूँ। तो दिस इज द बैलेंस दैट आई ट्राई टू मेंटेन सो दैट मेरे मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक रहे, मैं ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर लेके काम ना करूं। फोर्थ इज अदर पीपल, ये चीज ना मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है कि मुझे दूसरों को गिफ्ट करने में बड़ा मजा आता है, तो खुद को खुश रखने के लिए मैं दूसरों को गिफ्ट करती हूँ, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या अननोन लोग हो, उन पे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा स्पेंड करना, मे बी थोड़ी चैरिटी करना या उनको गिफ्ट करना, ये चीजें ना दिस इज जस्ट माय वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। मतलब गिविंग इज माय वे ऑफ सेइंग दैट आई एम ग्रेटफुल गॉड, थैंक यू सो मच। सो या दिस इज हाउ आई स्पेंड माय मनी इन दीज फोर कैटेगरीज सो दैट मैं अपने कमाए हुए पैसों के साथ खुश महसूस कर सकूं, एंड आई कैन प्राउडली से दैट मनी बाइज मी हैप्पीनेस। आप मुझे बताओ कि इस वीडियो से आपका क्या टेक अवे था, एंड कमेंट करके बताओ कि आप अपने कमाए हुए पैसों के साथ ग्रेटफुल रहने के लिए क्या क्या करते हो, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इस टॉपिक के ऊपर इतना अच्छे से बात करना प्रेफर करते हैं, पैसों के बारे में कोई बात नहीं करता, तो आई वॉन्ट के ये वीडियो एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बने लोगों के लिए। एंड या लास्टली इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे, स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय।